चैनल, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पोहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे पोहा। ये मेरे पास एक छन्नी है और मैंने इसे भिगा लिया था कम से कम 5 मिनट, और अब मेरा पोहा अच्छे से फूल चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ मैंने लिए कढ़ाई, या मैं गैस ऑन करूँ, और इसमें मैं डालूंगी 2 स्पून ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो या फिर रिफाइंड भी यूज कर सकते हो। इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास राई के कुछ दाने हैं ये। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी, मेरे पास कड़ी पत्ता है। ऐड करूंगी मेरे पास अनियन है, और इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है आपको। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रोस्टेड पीनट है मेरे पास। अगर आपके पास कच्ची पीनट हो तो आप इन्हें पहले ही रोस्ट कर लें। ये मैंने रोस्टेड पीनट ऐड करी है इसमें। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को चला लेंगे हम, हल्दी को पका लेंगे ऑयल में। अब मेरी हल्दी भी पक चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये पोहा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी चीनी, ये चीनी है मेरे पास। ज्यादा मीठा नहीं करना है, बस खट्टे मीठे का टेस्ट है, आपको इतनी ही चीनी ऐड करनी है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट अपने अनुसार ऐड करें आप, जैसा आपको पसंद हो। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस। ये मेरे पास लेमन है और ये मैंने इसमें लेमन ऐड करा है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरे, पोहा हमारा रेडी है। लेमन आपको सबसे आखिरी में डालना है दोस्तों, क्योंकि लेमन डालने के बाद ज्यादा देर आप उसे चला नहीं सकते। अरे देखिए, मेरा पोहा एकदम रेडी हो चुका है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। और मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा पोहा एकदम रेडी है और कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है। और मैंने इसे करी पत्ते के साथ गार्निश किया है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप अपने बच्चों को सुबह सुबह से सर्व जरूर करें। आप इसको किसी भी नमकीन या सेव के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे एक चटपटी नमकीन के साथ सर्व करा है। और आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरी इस वीडियो घर पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है।